अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिम्स लाइफस्टाइल। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, शब बारात नाइट व्लॉग। और ये रात जो है बड़ी रहमतों और बरकतों वाली है। तो इस रात मैंने सोचा अपनी बेबी गर्ल को ये न्यू वाला फ्रॉक पहना देती हूँ। ये है मिनी माइनर्स का और इसके कंट्रास्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उसके अलावा मैंने अपने लिए ये वाला ड्रेस निकाला है, ये जनरेशन का है और ये टू पीस था, लेकिन इसके साथ एक दुपट्टा जो है वो टांगा हुआ था, तो मैंने सोचा भाई इसके साथ कंट्रास्ट कर लेती हूँ। और ये स्टाइल जो है ना बलोची स्टाइल गग्गा जो नहीं होता वो वाला है, इसमें सितारे भी लगे हुए। उसके लिए यहाँ पे रूम पूरा बिखरा पड़ा था, तो मैंने सोचा भाई चुटकी बजा के मैं रूम को इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ और बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बड़ी रात है तो कमरा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और जी, अब यहाँ पे ना न्याज आने लग गए हैं। सबसे पहले मेरे घर से न्याज आया और ये बहुत मज़े की कचौरियाँ हैं जो हमारे घर के साथ ही खुली हैं। उसके अलावा बेबी गर्ल के लिए तीन जो है न्यू ड्रेसेस, और यहाँ पर है जर्दा मावे वाला। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं क्या है। घर से भाई कोई भी चीज़ आती है ना, सबसे पहले मैं ही खोलती हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट होती है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। यहाँ पे लो जी, मेरे फेवरेट गोलगप्पे भी आ गए और ये है खीर सेवैयाँ। तो जी, हर शादीशुदा लड़की इन बड़े दिनों पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, क्योंकि उनके मायके से बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें आने वाली होती हैं और अच्छी अच्छी वाइब्स आ जाती है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बेबी गर्ल के सारे ड्रेसेस खोल के दिखा रही हूँ। और इसका स्टफ़ इतना मज़े का है, बिल्कुल समर के अकॉर्डिंग है। बेबी को गर्मी भी ज़्यादा लगती है तो ये बिल्कुल फिट रहेंगे। तो ये सारे जो है बेबी के ननिहाल से आए थे। उसके अलावा आज हम लोगों ने न्याज में बनाया सूजी का हलवा, और यहाँ इस बड़े देगचे में है बिरयानी। तो ये सारा ख़त्म इसलिए हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बांट दिया है सारे पड़ोसियों में इधर उधर। अब यहाँ पे ये सारे न्याज रखे हुए हैं जो पड़ोसियों से आए हैं। मैंने आप लोगों को जो है हमारे वाले तो दिखा दिए, अब ये दूसरे रखे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ टेबल पर सारा जो है अरेंज किया हुआ है, रोज़ा खोलने की तैयारी है। तो जी, बस यही था व्लॉग शबे बारात का। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोग गए दुबई सुपर स्टोर मकली पे जो है, और जो ठट्टाके हैं वो तो जान गए होंगे, क्योंकि दुबई खुलने से हम सबकी जो है मुश्किलें आसान हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे ठट्टाके लोग पहले बाहर लेडीज़ नहीं निकल के जाती थी। अब यहाँ पे जो है ये ऐसा मतलब स्टोर है, यहाँ पे लेडीज़ खुद भी जाके शॉपिंग कर लेती हैं। ये जो मैं जा रही हूँ ना, ये फर्स्ट फ्लोर पर जा रही हूँ, नीचे जो है वो ग्राउंड फ्लोर भी है और इसके ऊपर भी बन रहा है फ़िलहाल। तो ये जो है वो सारा फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर एक सेकंड फ्लोर बना हुआ है, थर्ड फ्लोर जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। अब यहाँ पे ना पहले आ जाती है मेकअप शॉप, और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स अच्छे अच्छे हैं, तो मुझे कुछ इस तरह का लेना था तो मैंने सोचा मैं यहाँ से आके बाय कर लेती हूँ। तो साथ में ही दूसरी भी शॉप्स हैं जहाँ पर शॉप पीसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। और जी, यहाँ पर जेंट्स के कपड़े हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को टूर दे दूँ इसका। यहाँ पे हम लोग गए ना तो ये लोग खाना खा रहे थे, इसीलिए मैं घूम फिर के आ गए, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए थी सब चीज़ें तो नहीं मिली। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं आप लोगों को इसका टूर दे रही हूँ और नीचे का भी दूँगी आगे चल के। अच्छा जी, तो यहाँ पे कुछ ऐसी शॉप्स हैं जो अच्छी हैं, जहाँ की वैरायटी अच्छी है, लेकिन सब शॉप्स पे वैरायटी अच्छी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कराची की चीज़ों में क्वालिटी अच्छी होती है और यहाँ पे इतनी ख़ास नहीं, क्योंकि रेंज वाइज यहाँ पे थोड़ी सी लो क्लास है। और यहाँ पे जो है मैंने एक लाइनर बाय किया है, क्योंकि मेरे पास लिक्विड लाइनर था, मुझे मार्कर वाला चाहिए था। और यहाँ पे टेलर की शॉप भी है। अभी हम लोग यहाँ पे जो है जेंट्स की शॉप पे भी आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है वो जेंट्स के कपड़े लेने थे, मतलब अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि एनिवर्सरी आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा देखा, मुझे बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगा, लेकिन कलर्स मुझे अच्छे लगे। मैंने सोचा अगर मुझे लेना होगा अर्जेंटली तो मैं यहाँ से ये वाला कलर आके बाय करूँगी, जो ब्राउनिश मैरूनिश वाला है। तो मैंने फिर बाद में नहीं लिया, क्योंकि हैदराबाद से हम लेते हैं। तो जी, यहाँ पे वही बात आ जाती है कि लेडीज़ जब शॉपिंग करने जाती है हर चीज़ को देखती है परखती है, लेकिन बाद में लेती नहीं है। तो उसके बाद जो है ना हम वापस नीचे आ गए, तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें चाहिए हुई थी। ये फ्रंट डोर है दुबई सुपर स्टोर का। अब यहाँ पे मैं ट्रॉली लेके इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हाथ में चीज़ें पकड़ना मुश्किल है, बास्केट वगैरह, तो इसीलिए ट्रॉली ईजी रहती है। और ज़्यादातर हमें चीज़ें नहीं चाहिए थी, कुछ ही सामान चाहिए था, तो फिर यहाँ से हम बाय करें। यहाँ पर मेजॉरिटी हर चीज़ें, मतलब आपके ज़रूरत की हर चीज़ आ जाती है यूज़ करने के लिए और खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे आगे आगे आप लोग देखते जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने सारे सेक्शंस कवर किए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए।
तो जी जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया कि सारी शॉपिंग हम लोगों ने 2 महीने की इम्तियाज़ सुपरमार्केट से कर ली थी, लेकिन कुछ वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं थी या हम भूल गए, तो हमने सोचा यहाँ से बाय कर लेते हैं। और ये बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक ही है और ये अच्छे स्पॉट पे है, मतलब फ्रंट पे है सोसाइटी के बिल्कुल, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, ठट्टा के भी और मकली के भी। तो यहाँ पे मतलब हर चीज़ आपको मिल जाती है। यहाँ नीचे जो है पूरा जनरल चीज़ें हैं, मल्टीपल आइटम्स हैं खाने पीने के लिए और यूज़ करने के लिए, लेकिन ऊपर जो है ना हर किसी की इंडिविजुअल शॉप है। तो वहाँ पे जो है एक शॉप अगर हो गई फुटवेयर की, तो एक हो गई मेकअप कलेक्शन की, एक हो गई मेंस वेयर। तो यहाँ पर जो है नीचे पूरे एक साथ हर चीज़ें रखी हुई हैं, जिसको अगर नीचे मज़ा नहीं आता, नीचे चीज़ें नहीं अवेलेबल होती, तो वो ऊपर चला जाता है और थर्ड फ्लोर भी बन रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि ठट्टा में पहले इस तरह का कोई भी शॉप नहीं हुआ करता था, सुपरमार्केट नहीं हुई करती थी, बस घरों में ही शॉप्स हुआ करते थे शॉपिंग सेंटर के नाम से, कि वहाँ पे लोग जो लेडीज़ थी वहाँ पे जाके शॉपिंग करती थी। तो ये एक वाहिद दुबई सुपर स्टोर जो है मकली पे खुला है, काफ़ी साल हो गए हैं इसको खुलने से, लेकिन यहाँ पर लेडीज़ खुद आके अपना राशन, अपना पसंदीदा सामान यहाँ पर आके बाय करती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वरना जो है जैसे कराची में इम्तियाज़ सुपर स्टोर वगैरह इस तरह है, तो लोग वहाँ पे जाते थे, या इस तरह जो है नॉर्मली शॉप्स, लोकल शॉप से ही बाय करवा लेते थे अपने हस्बैंड के थ्रू। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है मकली ठट्टा में, तो यहाँ पे लेडीज़ खुद जाके बाय करती हैं। और यहाँ पे मैं इसीलिए ही वीडियो को इस तरह रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि कोई भी लेडीज़ यहाँ पे शो ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइवेसी इशू होता है जब आप कोई पब्लिकली चीज़ अपलोड करते हो, तो सबको इशू ना हो इसी वजह से। तो जी यहाँ पे सारी चीज़ें बाय कर ली हैं, जो जो सामान चाहिए हुए थे, और यहाँ पे लिस्ट है जितने भी सामान लेने थे वो ले लिए, जो नहीं मिले उसको क्रॉस कर लिया। और अब यहाँ पे मैंने सोचा भाई मैं आई हुई हूँ तो मैं अपने लिए पर्स ले लूँ, क्योंकि पर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैं अपने लिए पर्स ले रही हूँ। तो जी बस हमारी बारी आ गई है, अब यहाँ पे मैं सारे सामान जो है वो इस ट्रैक पे रख रही हूँ, ताकि बिलिंग हो हमारी। तो जी यहाँ पे सारा सामान पैक हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। और यहाँ पे भाई दूसरी भी चीज़ें जो घर के लिए चाहिए थे वो ले ली, और यहाँ पे ये सारा सामान है। बस यही था 2 दिन का व्लॉग, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उम्मीद है आप लोगों ने इन्जॉय किया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।